जी, तो मोस्टली लोग मेरे से ये पूछते हैं कि हम प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, एप्स डेवलप कर रहे होते हैं, वेबसाइट्स डेवलप कर रहे होते हैं, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई टास्क कर रहे होते हैं, तो हमारा नॉर्मली टाइम ज़्यादा लगता है और जिस जो हमने प्लान किया होता है टाइम उसमें वो चीज़ कंप्लीट नहीं होती। तो उसके लिए मैं आपके लिए दो टिप्स लेके आया हूँ जिनको आपने हमेशा माइंड में रखना है और उनको फॉलो करके आपने डेवलपमेंट का काम करना है। जिसमें नंबर वन पर है फोकस, कि जब भी आपने डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है तो फोकस से काम करना है। आपने सोशल मीडिया, मोबाइल, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर होके सिर्फ और सिर्फ अपने टास्क पे फोकस करना है और उस टास्क को अच्छे तरीके पर करना है। और उसको बियॉन्ड एक स्टेज आएगी उस टास्क के अंदर के, जब वो हो तो जाएगा, लेकिन उसको डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट सिनेरियोज से आप चेक नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, कि अगर उस ऐप के यूजर्स 1,000 से ज़्यादा होंगे, जब 5,000 से ज़्यादा होंगे, या वो जब डिफरेंट डिवाइसेस पे जाएगी तो वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी। तो कोशिश करें कि अपने काम को टेस्ट भी करें और उसको फोकस के साथ करें, ताकि जब वो क्लाइंट के पास जाए और वापस आपके पास उसका फीडबैक आए तो वो पॉजिटिव हो, उसमें बग्स कम से कम आए। क्योंकि जब आप बग्स फिक्सिंग में जाएंगे तो उसमें आपका डबल टाइम लगेगा। सेकंड जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा खुद को चैलेंज करें और खुद को एक टाइम दें। देखिए, हम आपका जो माइंड है उसको हम जिस तरह ट्रेन करते हैं वो उस तरह परफॉर्म करता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टास्क कर रहे हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम सेट कर लें कि मैंने ये वाला फंक्शन, ये वाली क्लास या ये वाला मॉड्यूल 30 मिनट्स में बनाना है या 1 आवर में बनाना है, ताकि आपका माइंड एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक स्पीड में काम करें। नॉर्मली क्या होता है कि हम कोई टास्क स्टार्ट करते हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे तक हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि पहली चीज़ हमने उस पर फोकस 100% नहीं रखा होता, और सेकंड जो मेन चीज़ है कि हमने खुद को टारगेट ही नहीं दिया होता। और साथ में आप बेहतर है कि कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करें, ट्रिलो यूज़ करें, जहाँ पे आप प्लगइन इस्तेमाल करें टाइम का, जो कि आपको साथ साथ बता रहा हो कि ये जो टास्क आप कर रहे हैं इस पे आपको कितना टाइम स्पेंड किया है। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा कि आप अपनी कॉस्टिंग भी निकाल लेंगे। जब तक आप अपनी पर्सनल वर्थ की कॉस्टिंग नहीं निकालेंगे, ये नहीं देखेंगे कि आपको आवरली रेट क्या मिल रहा है उस टास्क का। अगर आपको $50 मिले और आपके 5 आवर्स उस पर लगे हैं, तो वो $10 आपको पर टास्क में आएगा। लेकिन अगर आप उसको फोकस करके उसको मिनिमम करने की कोशिश करें, 2 आवर्स पे लेके आए, 2.5 आवर्स पे लेके आए, तो उससे आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो अपनी वर्थ बढ़ाने पे काम करें और अपने फोकस और अपनी टाइम मैनेजमेंट के साथ चीज़ों को काम करें। ऐसे रैंडमली करने से आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इंशाल्लाह, होपफुली आप लोग इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट टाइम कोई भी काम हो, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो, या आम लाइफ में कोई काम हो, उसके लिए एक टाइम सेट करें कि मैंने रेडी होना है, मेरे पास 2 मिनट्स हैं, और जहन में आप गिनना स्टार्ट कर दें कि 1, 2, 3 सेकेंड्स गिनना स्टार्ट कर दें। मैंने उस पॉइंट तक जाना है, ये स्टेज मैंने क्रॉस करनी है, मैंने ये गोल अचीव करना है। उसके लिए अपना लाइफ का एक टाइम लाइन सेट करें कि ठीक है, मैंने वीक में ये चूज़ करना है, करके कंप्लीट करना है, मंथ में ये कंप्लीट करना है। तो होपफुली आप लोग इस चीज़ को फोकस आउट करेंगे और इससे बेनिफिट लेंगे। थैंक यू।